हेलो एवरीवन। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर ले रही हूँ। तो आज मैं आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं फिल करूँगी, मतलब बहुत हल्का हल्का फिल करूँगी जिससे ये ज़्यादा फेक ना लगे। यू नो, ज़्यादा फिलिंग के बाद फिर जो आईब्रोज़ हैं हमारी वो बहुत अजीब सी, मतलब अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसे बहुत हल्का हल्का मैं फिल कर रही हूँ। थोड़ा सा ये बाहर निकल गया है, इसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ। तो बस अब आपको जहाँ जहाँ फिल करने की ज़रूरत है आईब्रो अपनी ब्रोज में, वहाँ वहाँ फिल कर लो। अब मैं ब्रश से इसको अच्छे से शेप दे दे रही हूँ। मैंने कर लिया दोनों ब्रोज में। मैं इसी तरीके से ब्रश की हेल्प से अपने ब्रोज को अच्छे से शेप दे दे रही हूँ। तो यह अब मैं ले रही हूँ अपना आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ये दोनों शेड अपने फ्लफ़ी से ब्रश में ले रही हूँ और अपने क्रीज लाइन के ऊपर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा लुक क्रिएट होगा। ये बार बार मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें भी बोल रही हूँ। तो मैं ये जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा फ्लफ़ी सा ब्रश है, इसे मैं अपने क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग 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 ठीक है, मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फिर इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आँखों में भी यही करेंगे। पहले मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। तो ये कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसी तरह अपनी दूसरी आँखों में भी कर रही हूँ। वही दोनों शेड ले लिया है मैंने और अपने उसी फ्लफी ब्रश से इस आईज में भी अपनी क्रीज आई के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जितना अच्छा ब्लेंड करते जाएंगे ये उतना ही अच्छा शेड जो है पूरी आईज पर जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ वहाँ वहाँ फैलेगा और एक नेचुरल सा दिखेगा। तो यह मेरी ये आईज भी मैंने कर लिया कम्प्लीट। अब मैं ले रही हूँ कंसीलर। तो अपने दूसरे ब्रश में मैं ले रही हूँ कंसीलर और उसे मैं अपनी आँखों के बीच वाली साइड पर लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ इसे बीच में लगा रही हूँ जो कंसीलर मैंने लिया हुआ है। तो मैं इसी तरह बीच में लगा ले रही हूँ। छोटा वाला मैंने पतला ब्रश लिया हुआ है, इससे मैंने दूसरी आईज में भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं ले रही हूँ अपने दूसरे पैलेट में से ये ब्लैक शेड। ब्लैक शेड जो मैं ले रही हूँ उसे मैं बहुत ही पतले ब्रश से लगा रही हूँ। वहीं पर लगाऊँगी जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया हुआ है, उसी कंसीलर के ऊपर मैं ये ब्लैक शेड जो है अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। मैंने पतला ब्रश इसलिए लिया हुआ है कि वो ज़्यादा कहीं और फैले ना इधर उधर। तो मैंने ये अच्छे से लगा लिया। इसी तरह मैं दूसरी आईज़ भी कम्प्लीट कर ले रही हूँ। तो ये आईज़ मेरी कम्प्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा पहले वाले पतले ब्रश से थोड़ा सा और मोटा ब्रश लिया हुआ है और जो मैंने ब्लैक शेड लगाया हुआ था उसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा ऊपर जो है फैला रही हूँ कि और भी अच्छा दिखे। तो अब मैं अपना पुराना वाला पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ। तो जहाँ जहाँ ये ब्लैक शेड जो आउटर और इनर कॉर्नर पर आइज़ के फैल गया था उसी मैं इस शेड से क्या कर रही हूँ, हाइड कर दे रही हूँ। तो मैं इसी तरह दोनों आईज पे अपनी ये कर ले रही हूँ। तो हाँ, ये भी हो गया। तो वो जो मैंने शेड लगाया तो था, और मैं फिर से अपना वही पतला वाला ब्रश ले रही हूँ पुराने वाला और अपना वही ब्लैक शेड ले रही हूँ और उससे उस ब्लैक शेड को मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। तो अब मैंने अपने हाईलाइटिंग पैलेट से लिया हुआ है पतले ब्रश में थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए अपना इनर कॉर्नर। तो मैं अपने दोनों इनर कॉर्नर को पतले वाले ब्रश से हाईलाइट कर ले रही हूँ। तो अब मैं लूँगी ये लाइनर जो कि है मेरे पास शुगर का लाइनर। तो इससे मैं अपनी आईज़ पर जो है बहुत पतला पतला सा अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है।
आउटर कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है, बट इनर कॉर्नर को मैंने बहुत ही पतला लाइन बनाया हुआ है। तो ये मेरी दोनों आईज़ पे लाइनर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने अपने आई के नीचे वाले साइड पर थोड़ा लूज़ पाउडर यूज़ कर लिया है, जिससे मैं अब जो कलर शेड अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैश लाइन पर, जिससे वो शेड गिरे तो मेरे पूरे फेस पे ना फैले। तो मैंने ऑरेंज शेड लिया है और अपने पतले वाले ब्रश से अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज शेड को। इसे हम अच्छे से कर ले रहे हैं। तो ये मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ अपने दूसरे वाले पैलेट में से ये ब्लैक शेड, अपने उसी पतले वाले ब्रश से मैं इसे भी उस ऑरेंज शेड के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, पतले पतले से हम यूं ही करते रहेंगे। इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईज़ में भी कंप्लीट कर ले रही हूँ। ये भी मैंने कर लिया है अभी कंप्लीट। अब जितना भी शेड जो था ब्लैक, वो अगर मेरे आईज़ के नीचे गिरा होगा तो ये पाउडर, लूज़ पाउडर की वजह से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ वाइट काजल। तो वाइट काजल को भी हम अपने वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर ले रहे हैं, जिससे हमारी आंखें और भी ज़्यादा अच्छी दिखेंगी। इसी तरह दूसरी आई में भी मैं ये वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से लगा ले रही हूँ। तो ये फाइनली अब ये लग गया है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने अपने ब्रश को लिया और मैंने जो लूज़ पाउडर लगाया हुआ था उसको मैंने क्लीन कर लिया और मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है। अब लूँगी ये फेक लैशेस, जिसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसे मैंने अपनी दोनों आईज़ में अच्छे से अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। अब है मस्कारे का टाइम। मस्कारा जो है वो मेरा फेवरेट पार्ट मुझे लगता है मेकअप का। मस्कारा अप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप आई अच्छे से आई मेकअप कर लेते हो, लैशेस अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद अब जब उसके ऊपर से ये मस्कारा अप्लाई करते हो ना, तो मतलब आँखों की और भी ज़्यादा शोभा बढ़ जाती है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे मस्कारा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरे पास मेबेलिन का कलोसल मस्कारा। इसे मैं अपने लोअर लैशेस और अपर लैशेस दोनों पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। तो ये अब मेरी आईज जो है आप वो बिल्कुल अच्छे से डन हो चुकी हैं। तो गाइज़ ये इज़ माई फाइनल लुक। आज का आई मेकअप आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।